प्रिय भक्तजनों, आज घर घर में विराजेंगे लड्डू गोपाल और आज सुबह 9:06 से शुरू होगी अष्टमी। रोहिणी नक्षत्र का इस बार संयोग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सभी रम गए हैं। आज यानी कि मंगलवार को सुबह 9 बजे से ही अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। वही 12 अगस्त को अष्टमी तिथि सूर्योदय काल से शुरू होकर दिन में 11:16 तक ही रहेगी। 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन अष्टमी तिथि के चलते जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। हालांकि मध्य रात्रि के समय अष्टमी तिथि केवल आज ही यानी कि 11 तारीख को ही उपस्थित रहेगी, इसलिए दिन जन्माष्टमी का व्रत विशेष महत्व का रहेगा। आज का दिन इस बार जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बनेगा, लेकिन आज उदयकालीन तिथि को सप्तमी होगी। सुबह 9:06 से ही अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि पूरे दिन और रात में व्रत के पारायण के समय भी उपस्थित रहेगी। 12 को 11:16 के बाद 12 तारीख को नवमी शुरू हो जाएगी। जन्माष्टमी व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन के बाद ही किया जाता है, इसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार 11 अगस्त को यानी कि आज चंद्रोदय रात्रि 11:41 पर होगा। वही 12 अगस्त को जो लोग कल करेंगे उनका चंद्रोदय रात्रि 12:18 पर होगा। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री बेहद प्रिय है, ऐसे में इनका भोग विशेष लाभकारी होता है। इस विशेष मुहूर्त में भगवान की श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा का योग बनता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य कर्क राशि में रहेगा, इसके कारण वृद्धि योग भी होगा। 12 अगस्त को पूजा का शुभ समय रात 12:05 से 12:47 तक है। पूजा की अवधि 43 मिनट की रहेगी। जन्माष्टमी पर विशेष पूजा और संकीर्तन मुहूर्त लाभ अमृत मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 2:05 तक, शुभ मुहूर्त तीसरे पहर 3:44 से शाम 5:24 तक, लाभ मुहूर्त रात 8:24 से रात 9:44 तक और जन्म अभिषेक आरती मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 तक। श्री कृष्ण भगवान की पूजा हमें कैसे करना चाहिए? तो चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप मूर्ति को रखें, फिर लड्डू गोपाल को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान को नए वस्त्र पहनाएं, अब भगवान को रोली और अक्षत और तिलक लगाएं, उसके बाद लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, श्री कृष्ण को तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें, भोग के बाद श्री कृष्ण जी को गंगा जल भी अर्पित करें, अब हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव का ध्यान लगाए। भगवान कृष्ण के अभिषेक के लिए शाम 5:40 से 6:04 तक बीच गोधोली बेला में शुभ समय होगा। गाय के दूध दही और माखन से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खोला जाता है। 11 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन रात्रि 11:41 पर होगा और 12 को रात में 12:18 पर चंद्रोदय होगा। लड्डू गोपाल का पीताम्बरी पीले वस्त्र और मोर पंख से श्रृंगार करना चाहिए। तो मेरे तरफ से समस्त भारतवासी सनातन धर्मावलंबी को हार्दिक शुभकामनाएं इस जन्माष्टमी के पर्व पर। आप लोग समस्त आदमी धन धान से
परिपूर्ण हो और भगवान श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।